बिरयानी आपने बहुत देखी होंगी, बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं नागपुर की ऐसी बेहतरीन बिरयानी जिसके लिए लोग इतने बावले हैं कि 500 प्लेट्स बिकने में एक घंटा नहीं लगता है और प्राइस है केवल 50 रुपए। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं बिरयानी कि नागपुर में लोग इतनी दूर दूर से खाने आते हैं इनकी बिरयानी को। आज हम आ गए हैं नागपुर में मुल्ला जिल्ला बिरयानी सेंटर पर और यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं इनकी बहुत फेमस बिरयानी। तो सबसे पहले गाइस प्याज को फ्राई किया जा रहा है तेल के अंदर और गाइस आप प्याज की क्वांटिटी देख सकते हैं, कट्टा भर के प्याज डालिए इन्होंने इसके अंदर, तो बिरयानी कितनी ज्यादा होने वाली है हमारी। और यहाँ इन्होंने चिकन डाल दिया कंटेनर में, तो 50 किलो चिकन की बिरयानी होने वाली है हमारी ये। और चिकन के ऊपर से डाल दिया इन्होंने जिंजर गार्लिक और इसके ऊपर से डाला जा रहा है धनिया पुदीना हरी मिर्च। तो गाइस सुबह से शाम तक इसी तरीके से बिरयानी बनती रहती है, बिकती रहती है। और ये धनिया के बाद डाल दिया इन्होंने केवड़ा, केवड़े से काफी अच्छी खुशबू आने वाली है बिरयानी के अंदर। और इसके ऊपर से डाल दिया इन्होंने नमक और अब डाला जा रहा है जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और इसके ऊपर से डाल दिया इलायची का पाउडर। और गाइस अब डाल दिया इन्होंने लाल मिर्च, तो लाल मिर्च देखिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में डाली जा रही है, पूरा का पूरा पैकेट डाल दिया है। तो गाइस लाल मिर्च के ऊपर से डाल दिया इन्होंने एक कनस्तर दही। तो गाइज अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा चिकन के अंदर और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से इसको मिक्स किया जा रहा है, मतलब इतनी सारी क्वांटिटी में है ये। और अब इसके ऊपर से डाला जा रहा है एक कनस्तर तेल और इनकी क्वांटिटी देखिए गाइज कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हर चीजों को डाला जा रहा है। गाइज एक दिन में 1000 किलो बिरयानी बनाते हैं ये। अब इसके ऊपर से भुनी हुई प्याज डाली जा रही है और ये इनको फैला दिया गया है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हमारे चावल रेडी होंगे। गाइस सबसे पहले भगोने में चावल डाले जा रहे हैं, तो गाइस 50 किलो चिकन के लिए 50 किलो चावल डाल दिया इन्होंने भगोने में और अब पाइप से इसमें पानी चलाया जा रहा है और अब इनकी धुलाई होगी। यहाँ हमारा चावलों के लिए पानी बॉइल किया जा रहा है, अब चावल को ये हाथों से वॉश कर रहे हैं और अब इन चावल को डाला जाएगा टोकरी में। ये जो टोकरी है ये छलनी की तरह यूज कर रहे हैं और इधर हमारे पानी में नमक डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, लौंग डाल दिए, काली मिर्च डाल दिए और अब डाले जा रहे हैं चावल। तो गाइस चावल की क्वांटिटी देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में डाले जा रहे हैं। तो गाइस जब तक हमारे चावल बॉइल हो रहे हैं तब तक हम चिकन को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले चिकन को चूल्हे पर रख दिया और इसके नीचे आग जलाई जाएगी और गाइस चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको चिकन के ऊपर डाला जाएगा। अगर आपका फ्रेंड कोई नागपुर में रहता है तो उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर करना और अगर आपने इससे अच्छी बिरयानी खाई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये इन्होंने चावल के ऊपर से तेल डाल दिया है और गाइस यहाँ हमारी दाल रेडी हो रही है जो कि हमारी बिरयानी के ऊपर से डाली जाएगी और ये इन्होंने डाल दिए दाल और इसको चावल में मिक्स किया जा रहा है। तो गाइस ये पहली बिरयानी देखी है मैंने जिसमें चिकन के साथ दाल यूज की जा रही है और गाइस अब कलर डालने के बाद इसको ढक दिया जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं और बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो गाइस वीडियो देखते हुए अगर आपके मुंह में पानी आ गया हो तो उसको वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ से बिरयानी काउंटर तक जाएगी। तो गाइस एक प्लेट बिरयानी का प्राइस है 50 रुपए और टाइमिंग है सुबह के 12 बजे से रात के 9 बजे तक। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।